ले लीजिए। जैसे कोई ना कोई समस्या है आज दिन, आप लोग जब पेपर में पढ़ते रहते हो कि खिलाफ बच्ची का पला ये हो गया ना, उस तरीके या कोई घरेलू हिंसा किसी लड़की के साथ हो रही है, वो टोल फ्री नंबर आपको बताएंगे। और जो हमारे समाज कल्याण में आपके योजनाएं चल रही है, जैसे अभी आप सुमंगला वाली जो योजना चल रही है, बहुत से बच्चों ने फॉर्म डाला है, इस तरीके की और भी योजनाएं चल रही है, उनके बारे में मैडम थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कोई भी शो न्यूज आए वो ध्यान सुनिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैडम देने आई है। पहले मैडम ने बताया ना, मैं महिला कल्याण विभाग से आई हूँ। महिला कल्याण मतलब महिलाओं के लिए बनने वाला विभाग। उसमें सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसकी धनराशि पहले 15,000 रुपए थी, अब 26,000 रुपए हो गई है, जो अलग अलग श्रेणियों में विशेषकर लड़कियों के लिए है। इस योजना को बनाने का मेन मकसद था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिले, वो पढ़े और उच्च शिक्षा करें। ऐसा नहीं होता ना कक्षा 8 पढ़ने के बाद उनकी शादी कर दी गई या फिर उनका स्कूल छूट गया, पैसे नहीं है नहीं पढ़ाएंगे, तो वो कक्षा 8 के बाद भी पढ़ाई अपनी जारी रख सके। इसके लिए कन्या सुमंगला योजना बनाई गई। इसमें अलग अलग श्रेणी में आवेदन होता है और उनको धनराशि अकाउंट में दी जाती है, कोई भी पैसा हाथ में नहीं दिया जाता है। दूसरा कारण सबसे मेन इसका फायदा ये है कि एक बार आवेदन होता है, एक ही बार ओटीपी मिलता है, उसके बाद आप जैसे जैसे श्रेणियों में पहुंचते जाएंगे उसी आवेदन को आप पुनः उसमें अपने कागज लगाते जाइए और आपको पैसा मिलता जाएगा। ये योजना उनके लिए जो सिर्फ दो भाई बहन है, एक भाई एक बहन, या फिर दोनों बहनें, या फिर एक सिर्फ अकेली बहन, या फिर उस स्थिति में जिन माता पिता के दूसरा बच्चा या पहला बच्चा जुड़वा हुए हो, उन परिवारों को इसका लाभ मिलता है। तो अगर आपके आसपास आपके कोई परिवार में आपके रिश्तेदारी में कहीं भी कोई हो तो आप उसको जरूर बताइएगा। ये योजनाएं हर जिले में है और हर जिले में महिला कल्याण विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। उसके बाद है निराश्रित विधवा पेंशन योजना। अगर आपके घर में या आपके जानने में कोई ऐसी माता जी हैं जिनके पति नहीं हैं और वो उनका उनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है, उनके पास खेती नहीं है, उनको राशन कार्ड नहीं है, तो वो जाकर के जनसेवा केंद्र से आवेदन कर सकती है। उन्हें प्रति महीना 1,000 रुपये अपने लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो भी अकाउंट में दिया जाता है, ठीक है। इसी सबसे महत्वपूर्ण योजना है वृद्धा पेंशन योजना। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है, लेकिन लाभ एक को मिलेगा, ऐसे कि दादा और दादी दोनों हैं, दोनों 60 साल के आधार कार्ड पे, तो या तो दादा को मिलेगा या फिर दादी को मिलेगा, पति पत्नी में से कोई एक वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। इसकी भी जो धनराशि वो 1,000 रुपए, 3 महीने में एक बार आती 3,000 रुपए। इसी तरीके से विकलांग पेंशन योजना है, जो बच्चे बच्चियां या फिर बड़े लोग जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं और वो 50% से ज्यादा उनको विकलांगता है या चैलेंज है, तो वो अपना सीएमओ ऑफिस से एक सर्टिफिकेट बनवा ले और उनको भी 1,000 रुपए प्रतिमाह के रूप में। 50% विकलांगता आपके मतलब आपका जो वो बनेगा अगर 50% विकलांगता आपकी है सर्टिफिकेट में जी। तभी आपको वो लाभ मिलेगा, पेंशन मिलेगी, पेंशन मिलेगी, वो भी 1,000 रुपए, वो भी 1,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 12 महीनों में 12,000 और 3 महीने बाद आती है, हर मंथ में नहीं आती है, हर 3 महीने में 3,000 आपको। हम टोल फ्री नंबर्स बताएंगे, टोल फ्री नंबर जैसे सबसे पहले 1098 जो आप लोगों के लिए है, बच्चों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर लिखा है ना चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड मतलब बच्चे, हेल्पलाइन मतलब बच्चों के लिए नंबर, सहायता के लिए नंबर 1098 है। अगर कोई बच्चा आप रस्ते में खो जाता है या उसके साथ मारपीट होती है या विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थिति मतलब आप उन परिस्थितियों में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और आपको मदद की जरूरत है, तो आप 1098 पे कॉल कर सकते हैं। वो लड़कियां भी कर सकती हैं जिनको इस घर में पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, या फिर माँ बाप 18 साल की उम्र से पहले शादी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस पे कॉल करके सूचना दे सकते हैं। या फिर आपके साथ किसी प्रकार की मारपीट हो रही है, आपको जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, या आपको कहीं आप रास्ते में जा रहे थे और भटक गए, रास्ता नहीं मिल रहा है किधर जाएं,
उस स्थिति में आप 1098 पे कॉल कर सकते हैं। 112 आप इसलिए नहीं मिलाएंगे कि पुलिस से सभी डरते हैं, मुझे भी डर लगता है, तो पुलिस वाले आएंगे, थाने ले जाएंगे, फिर पता नहीं क्या करेंगे। तो आप 1098 मिलाएंगे तो ये भैया आएंगे, इनके जैसे और भैया लोग हैं वो लोग आएंगे, आपको आपका नाम पता पूछेंगे, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आपको एक सेफ जगह लेकर जाएंगे, एक कार्यालय में ले जाएंगे, वहाँ आपकी काउंसलिंग होगी, आपके माँ बाप को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको उनके पास सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। ये आपको हम लोग इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने आस पड़ोस के उन बच्चों को बताएं जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि एक हमारे लिए नंबर है जिसपे हम मदद मांग सकते हैं। अगर घर में बहुत कलेश हो रहा, माँ बाप दोनों दारू पीकर लड़ाई कर रहे हैं, बच्चे उस स्थिति में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तब भी आप इस नंबर पे मदद मांग सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो आपका नाम नहीं बताया जाएगा, भैया सीडैक के माध्यम से ही आपका लोकेशन ट्रैक कर लेंगे और वहाँ पर तुरंत मदद पहुँच जाएगी। अगर किसी की हेल्प करनी हो और डर लग रहा हो कि मेरा नाम आ जाएगा तो नहीं आएगा, आपका नाम नहीं बताया जाएगा, लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। जैसा होता क्या है, 7-8 में दबाते हैं, पहुंचते हैं, एक चीज ये भी है कि आपके माँ बाप जबरदस्ती कहते हैं स्कूल नहीं जाना, जॉब काम करो, जाके घर काम करने देता, काम करवाते हैं, ज्यादा रहता है। अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप फोन करके भैया को बुला सकते हैं कि भैया कोई कार्रवाई नहीं होगी, मम्मी पापा को कोई जेल नहीं। एक चीज और होता है, जब बच्चे कहें कि मुझे काम करना है पढ़ना नहीं है, उनके लिए भी तो है, तो हम लोग कर सकते हैं, तो मैं शिकायत कर सकती हूँ ना, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं है, काम करना है, यार लेबर, तो फिर हम ही मैडम को कॉल कर सकते हैं। अभियान चलाते हैं, उस अभियान के दौरान 14 साल से नीचे जो भी बच्चे हमें मिलते हैं काम करते हैं, वो तो इन्हें बताते हैं, हमारे हस्बैंड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, तो वो 14 साल से जितने भी कम बच्चे उम्र के होंगे, चाहे वो ढाबे पे हो, मोटरसाइकिल की दुकान पे हो या अन्य कहीं पर, हम लोग उनको ले जाते हैं, क्योंकि आपको ये पढ़ने के मौके हैं, आपके लिए पढ़ाई इतने सारे साधन उपलब्ध कराया है ताकि आप पढ़ें, जब आप पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे, नहीं तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप क्या पूछेंगे हमसे। आपको पता था 1098 के बारे में? विद्यालय में लिखा हुआ और कितनी बार पुलिस आती है आपको हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताती है, आपको मालूम तो है, और आप विद्यालय में सारे हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए थे, और जब आप पढ़ेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 9-8 क्या होती है, तो मैं जाती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमें पुरुष के हाथ में ले जा रहा है या भैया मुझे ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें समझाया जाता है, उनसे हम लोग लिखित में लेते हैं कि अब आप अपने बच्चे को काम पर नहीं भेजेंगे, उसको स्कूल में पढ़ाएंगे, और अपने बच्चे की शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे, लड़कों की शादी 21 साल से पहले नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर 50,000 रूपए का जुर्माना रोका जाएगा, और जिसकी नगद भुगतान आपको विभाग को करनी पड़ेगी, ये उनकी सजा होगी, ये उनकी सजा है। आप लोगों को कोई किसी प्रकार की जेल नहीं होती है, किसी को कोई मारपीट नहीं की जाती है, किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाती है, ऐसा ही हमारा भी कार्यालय है, उस कार्यालय में हम बैठाते हैं जब तक वो लिखने को तैयार नहीं होते हैं, और एक गवाह होता है, चाहे वो आपकी मैडम बने गवाह या फिर आपके प्रधान जी बने गवाह, तभी हम छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते नहीं है। लड़की के लिए एक और जैसे सुविधा है, जैसे मान के चलो कि कभी कभार झगड़े वगैरह हो जाते हैं गाँव मोहल्ले जगह, तो परिवार वाले भाग जाते हैं, पुलिस आती है, वो बच्चों को तंग करती है, अगर कभी भी किसी बालिका को पुलिस लेने आए तो उनके साथ अगर महिला पुलिसकर्मी नहीं है तो वो आपको नहीं ले जाते, है ना, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। तुम लोग की बात याद रखो, और हेल्पलाइन नंबर है 1098 1090 1090, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, वो 0 से लेकर 100 साल तक की कोई भी महिला मिला हमने भी यूज किया है, इसलिए ताकि अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, फोन पे आपको परेशान कर रहा है, आपको मोबाइल पे मैसेज भेज रहा है, आपको फेसबुक पे फॉलो कर रहा है, या फिर आपको रस्ते चलते ही आपके साथ अनैतिक तरीके से गाली गलौज कर रहा है, आपको देखकर छींटाकछी कर रहा है, आपको ताने मार रहा है, आप पे कमेंट पास कर रहा है और आप बहुत परेशान है, तो आप उस पे कॉल कर सकती है, आपको उस पे मदद मिलेगी।
ये इसमें भी किसी का नाम ओपन नहीं किया जाता है, सामने वाले का नंबर बताना होता है किस नंबर से मुझे बार बार कॉल आ रही है, वो डायरेक्ट उसी से संपर्क करते हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं होती कि मैडम हमारे साथ ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, वो खुद उससे पूछती है कि आपने ऐसा किया था या नहीं किया था। इसके साथ ही साथ ही 112 की एक नई मुहिम शुरू हुई, 112 से भी जानते हैं बोलने में लड़ाई होती है 112 मिला देते हैं, है ना, पुलिस वाले आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कभी रात में कहीं जा रहे हैं अपने परिवार के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और आप कहीं फंस गए हैं, आपकी गाड़ी पंचर हो गई या फिर आपकी बस छूट गई या आप किसी सुनसान इलाके में हैं, आप नहीं, आपके पास कोई कन्विंस नहीं है आप घर जा सकते, उसके लिए आप 112 मिलाएंगे, वो लोग आएंगे और आपको आपके घर की सीमा तक पहुँचाएंगे, जिसकी जो डिस्टेंस दूरी है वो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर की रेंज में जो भी सेफ जगह होगी, होटल होगा, पेट्रोल पंप होगा, हॉस्पिटल होगा, वो वहाँ पर आपको ले जा करके छोड़ देंगे। ये हम और आप सबके लिए, हम लोग भी इसको मिला सकते हैं अगर कभी हम ट्रेवलिंग के समय। और लड़कियों के लिए एक और टोल फ्री नंबर है 181, ये उनके लिए है जो शादीशुदा है या फिर नहीं है, जिनके साथ घर के अंदर मारपीट होती, मारपीट करने वाला हमारा अपना है, उनके लिए जिनको हम नहीं जानते, 181 उनके लिए जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरा पति है, मेरा पड़ोसी है, मेरा चाचा है, और वो मेरे साथ गलत तरीके की हरकत कर रहा है, मारपीट कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, जबरदस्ती मेरी शादी कर रहा है, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, शादी हो गई तो दहेज के लिए परेशान कर रहा है, या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कार्ड और पड़ता है वहाँ का एक वो नंबर होता है जो आप लिख करके वो नंबर, ताकि हमें पता चले बच्चा पढ़ रहा है, ये पढ़ाई जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं है वो बच्चों को लाभ दिया जाएगा, क्योंकि उनको सरकार ने गोद ले लिया, स्पॉन्सर किया है ताकि वो पढ़े और उनको हर महीने 4,000 रुपए उनके अकाउंट में जो संरक्षक बनेगा। जैसे ऐसे क्या होता है, ऐसे बच्चों को मम्मी पापा नहीं होते तो बुआ ले जाती है अपने घर पे काम कराती है, चाची ले जाती है अपने घर पे काम कराती है, दादी अपने घर पे काम कराती है, तो उनका एक संरक्षक बनाया जाएगा, चाहे चाची बने, दादी बने, बुआ बने, मौसी बने, कोई भी बने, उससे एक रिटर्न पे लिया जाता है कि आप बच्चे से काम नहीं कराएंगे, बच्चे से बच्चे को पढ़ाएंगे, ये 4,000 रुपए आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चा पढ़े, वो भले उसको अपने खर्च में उनकी पढ़ाई तो आपको भी फ्री ऑफ कास्ट होती है, भले वो अपने घर के कामों में उसको खर्च करे, लेकिन इसी बहाने पैसे की बहुत बड़ी संरक्षक नहीं कर रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं उनका कोई नहीं है, तब भी आप सूचना देंगे, हमारे पास होम्स है, गर्ल्स होम अलग है, बॉयज होम अलग है, भैया ले जाएंगे, हम उनको वहाँ पर रखते हैं, खाना पीना पढ़ना सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट होता है, और जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते हम उनको जैसे एज अ गार्जियन उनको हम लोग पढ़ाते हैं, और ताकि वो पढ़े। आपके गाँव में कोई बच्चा ऐसा आ जाए जिसे आप नहीं जानते, अर्थात वो बच्चा कहे कि हम खो गए हैं, है ना, तो आप स्वयं भी लगा दीजिए या अपने परिवार में किसी को बताइए कि हमारे स्कूल में आए थे, 10 नंबर लगा दो, टीम आएगी मैं ले जाएगी, इससे क्या होगा वो बच्चा हमारे पास आ जाएगा, और उसके लिए एक पूरे रिश्ते जो मिलना चाहिए, खाना समय से, चिकित्सा की सुविधा सारी मिलेंगी, अगर वो भीख मांगता रहेगा रोड पे तो कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाएगा जिसके यहाँ 8-10 भैंस हो या साफ सफाई करने के लिए बहुत जगह हो, तो वो बच्चों को ले जाएगा, अपने घर में बंद कर लेगा, साफ सफाई कराएगा, है ना, उसके माता पिता पुलिस कंप्लेंट करते होंगे, बच्चा मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो तो घर के अंदर रहेगा, गलत भी हो सकता है, बेचा भी जा सकता है, तो कभी भी खोया हुआ बच्चा मिले तो आप तुरंत 10 नंबर लगा, ये आप मतलब सेवा भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे जी, इसी का इसीलिए ये नंबर चला है। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको आप नहीं जानते और घूमती व्यवस्था में दिख रहा, कपड़े फटे हुए, भीख मांग रहा है, तब भी आप मिला सकते हो, क्योंकि भिक्षावृत्ति एक बहुत बड़ा रैकेट है, बच्चों को उसमें लिफ्ट किया जाता है और उनके जो पैसे वो दिन भर मांगते हैं वो लोग ले लेते हैं, फिर बच्चे को ऐसे ही भगा देते हैं, 10-20 रुपए पकड़ा, बच्चों को पकड़ लिया। अगर आप हमको दोबारा से दिखोगे तो हम भैया को बुलाएंगे, वरना स्कूल में जाओ पढ़ने।